नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 3% डीए का आदेश पर बड़ी अपडेट है, ताज़ा खबर है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर जो आईएएस आईपीएस अधिकारी है उनका 3% डीए का आदेश जारी हो रहा है और उसको वायरल किया जा रहा है। इस पर जो है कर्मचारी जो तृतीय चतुर्थी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की, जिस पर रमेश चंद्र जी शर्मा हैं राजमंत्री दर्जा प्राप्त, उन्होंने माननीय से मुख्यमंत्री से संपर्क किया और बताया गया कि सोमवार से बुधवार तक आदेश जारी हो जाएगा, यानी कि 22 से 24 तारीख तक। तो बड़ी अपडेट है, पूरी खबर जानेंगे दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखे। तो चलिए जान लेते हैं लैट्स को। तो दोस्तों, सूत्रों की खबर के अनुसार कल दिनांक 18 अगस्त 2022 को ही आपके दूरभाष प्राप्त पर माननीय श्री रमेश चंद्र जी शर्मा अध्यक्ष राज्य मंत्री महोदय से अनुरोध किया गया कि प्रदेश के कर्मचारियों का जनवरी 2022 के महंगाई भत्ता अगस्त 2022 के वेतन में दिए जाने संबंधी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की घोषणा के आदेश जारी कार्रवाई उक्त श्री रमेश चंद्र जी शर्मा अध्यक्ष महोदय कर्मचारी कल्याण समिति ने माननीय को पत्र लिख दिया है और आश्वस्त किया है कि सोमवार से बुधवार तक प्रदेश के कर्मचारियों के 3% महंगाई भत्ते के आदेश जारी हो जाएंगे। जो आदेश अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है वह अखिल भारतीय सेवा के लोक सेवकों के लिए है। प्रदेश सरकार ने जनवरी 2022 से 3% की दर से केंद्र के समान भुगतान का जारी किया है। कोई भी भ्रमित ना हो, प्रदेश के लोक सेवकों के लिए भी शीघ्र आदेश जारी होंगे, यानी कि सोमवार से बुधवार, यानी कि 22 से लेकर 24 तारीख तक। तो दोस्तों, जैसे ही आदेश जारी हो जाएगा उसका सबसे पहले अपडेट हम देंगे। तो हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करें, अपने विचार लिखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।